व्हाइट कलर का। जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का अन अकेडमी पर मैं फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। और उस तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको जीएस में कुछ कुछ नए चीज़ों को सिखा सकें। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक आप कमेंट करके बता दें कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की आवाज़ सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है। बताएं दोस्तों, किसी बच्चे को कोई आवाज़ सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कमेंट करके बताएं। नमस्ते, गुड इवनिंग। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और वे लोग जो एमटीएस के लिए जा रहे हैं या जीडी के लिए जा रहे हैं, उनको आज के सेशन से कई सारे डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एसएससी ने अभी पूछे हैं। और हमने पहले भी कहा था कि जनरली एसएससी लगभग उसी तरह के क्वेश्चन को पूछ रही है जो कंटेम्प्रेरी एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब आसपास के एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, यह अपने आप में एक फालतू सा क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी ने पूछा है तो हमें इसके लिए रेडी रहना होगा कि इस तरीके के भी क्वेश्चन एसएससी हमसे पूछ सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एसएससी हमसे पूछ सकती है। तो जैसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड द ग्रेट बियर मेड ऑफ, कितने चमकीले तारों का संग्रह है। बचपन से आप सुनते चले आ रहे हैं कि सप्तऋषि या पौराणिक कथाओं में कि सात सितारों से मिलकर के बना हुआ है, जिसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्शन को भी कई बार अंधेरे में रात में। तो उस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके चाहें तो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और उसके हिसाब से इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सेवन स्टार, सात स्टार। देख लीजिए एसएससी क्या क्या पूछ सकती है। सात तारों का समूह, सप्तऋषि मंडल कहा जाता है कई बार इसे। पैगंबर मोहम्मद फाउंडेड द फेथ ऑफ इस्लाम इन द सेंचुरी, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना कब की थी। यदि आपको याद हो, पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे 600 बीसी में या 622 बीसी में, और उसको हम हिजारत की संज्ञा देते हैं। और वहीं पर जाकर के उनको जिब्राइल नामक देवदूत से मुलाकात हुई, जिसने उनको कुरान की शिक्षा दी, और उसी के आधार पर आज हमारा इस्लाम एक धर्म के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो क्या होगा, कौन सी बीसी में जाएंगे? तो किस में जाएंगे साथियों? सेवेंथ बीसी कह रहा हूं, 622 एडी में। तो सातवीं सेंचुरी इसका आंसर हो जाएगा। चले, यदि सेवेंथ कह रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं। इन विच प्रेजेंट डे स्टेट विल यू फाइंड द मेगुडी टेम्पल, मेगुडी मंदिर किस राज्य में स्थित है। आप जानते हैं कि मेगुडी किस लिए फेमस है, तो आपने एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा होगा, एहोल अभिलेख के बारे में सुना होगा। तो एहोल अभिलेख या एहोल इंस्क्रिप्शन इसी राज्य से संबंधित है। तो आप मुझे बताएं कि एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख किस राज्य में है। तो किस राज्य में है साथियों? तो हमने कहा कि इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, और मेगुडी टेम्पल भी कहां पर साथियों? कर्नाटक में ही स्थित है। यदि आप इसका आंसर कर्नाटक कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। चल, कर्नाटक इज द राइट आंसर।
through which of the following action does the lithosphere move over the asthenosphere? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से स्थल मंडल आकाश मंडल के ऊपर गति करता है, यह आपको बताना है। यदि आपको याद हो सब कुछ किस पर बना हुआ है साथियों, प्लेट पर। और ये सारा का सारा मूवमेंट कैसे पॉसिबल होगा, प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू या प्लेट मूवमेंट के थ्रू। तो यदि आप प्लेट मूवमेंट आंसर करते हैं तो आपका जवाब सही हो जाएगा। क्या आप सबने प्लेट मूवमेंट किया है? यदि हाँ तो आप सबका जवाब सही है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। यस गुड। घूमर, यस हम आपको क्लू देते हैं, भील ट्राइब, भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा इसका इस डांस को किया था। बताइए भील कहां पर है? बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, त्रिपुरा में। तो घूमर कहां पर साथियों? राजस्थान में है। चल भगवान मां सरस्वती के सम्मान में किया जाता है। Who among the following is one of the author the Hitman, the Rohit Sharma story? किसने the Hitman रोहित शर्मा story के बारे में लिखा है, यह बताना है। हमारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो हम जनरली बाहर अवेलेबल नहीं कराते हैं, गुरुकुल एट होम वाले प्लान में है, लेकिन ऑनलाइन हमारा कॉमन नहीं होता है, सभी इंस्टीट्यूट के पास वही है। तो किसके द्वारा लिखा गया साथियों? तो जी कृष्णन ने विजय लोकपाल के साथ मिल करके, विजय के साथ मिल करके ये बुक लिखी। विश सुल्तान एस्टैब्लिश द सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने को ही, याद करिए जब इसने दुआब में टैक्स बढ़ाया और टैक्स बढ़ाने के बाद पता चला कि वहां पर सूखा पड़ गया है तो विद्रोह हो गया, तो इसको बहुत दुख हुआ। इसको लगा कि अरे तो गलत हो गया, मैं तो किसानों की प्रगति और उन्नति के लिए काम कर रहा हूं और ऐसी स्थिति में उनको वहां सूखा पड़ गया, तो टैक्स को वापस ले लिया। लेकिन इसको लगा किसानों की मदद के लिए कुछ ना कुछ हमें करने की जरूरत है, और ऐसे कॉन्सेप्ट पे इसने दीवाने को ही नामक विभाग की स्थापना की। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है किस नाम से किया गया, यहाँ पे पूछा गया किसने किया। दूसरा पूछता है कि किसे पागल सुल्तान कहते हैं, किसने दिल्ली की राजधानी को ट्रांसफर किया था। तो इन सभी चीजों का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके शासनकाल में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है दिल्ली सल्तनत का, यदि ये पूछा जाए। और यहीं से पतन शुरू हुआ, विजयनगर, बहमनी, सारे के सारे इसी के टाइम पीरियड पे बने। कल से आपकी पॉलिटी की क्लास शुरू हो रही है इसी टाइम पर। इज एन नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ लैंड विच कलेक्ट वाटर एंड ड्रेन इन थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स। देख रहे हैं इस बार लगभग ज्योग्राफी के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कल भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि एक ऐसा हाइड्रोलॉजिकल यूनिट या एक प्राकृतिक जल विद्युत संग्रह जहां पर हम वाटर को संग्रहित करके अपने आवश्यकता के अनुसार सिंचाई के लिए या बिजली उत्पादन के लिए यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं साथियों? दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर सेड। इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? वाटर सेड के नाम से जानते हैं। यदि आप वाटर सेड कर रहे हैं तो आपका जवाब सही है। चले, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट वाज द अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द यूएस स्पेस एजेंसी नासा इन फरवरी 2021। ये लगभग हम यूट्यूब के सारे टीचरों ने इस करंट को डिस्कस किया था और मुझे यकीन है कि आप सभी इसका सही जवाब देंगे। शांतनु नारायण, रामेश सरकर, भव्या लाल एंड मोहन अट्टावर, बताइए एक महिला जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया है, क्या नाम है उनका? चलें सर, एनटीपीसी टायर 2 में
50 मार्क्स हैं आउट ऑफ 120, स्ट्रेटजी बताएं। 50 तो मेरे बच्चे कम हैं, स्ट्रेटजी ये है कि टीसीएस के सारे क्वेश्चन कर लें, जिसना टीसीएस ने अलग अलग पेपरों में लिया है, लगभग 10,000 क्वेश्चन है, वो यदि करते हैं तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा कुछ भी करिए, कोई फायदा नहीं है, चाहे आप कितना भी परीक्षा की तबाही कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, जब तक प्रीवियस पेपर टीसीएस के नहीं करेंगे आपसे फायदा नहीं होने वाला है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एक्टर्स ज्वाइन द लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन मार्च 2021? निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में से कौन मार्च 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल है? शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट। बताइए, आप जानते हैं कि यंग फोरम फॉर लीडर्स की स्थापना 2005 में की गई थी और उसमें हमारी तरफ से किसे शामिल किया गया है? तो हमारी तरफ से किसे शामिल किया गया साथियों, इट इज दीपिका पादुकोण ने, इंडस्ट्री की सबसे लंबी हीरोइन दीपिका पादुकोण ने। यस, देखो ये सब क्वेश्चन का जवाब आप सब सही दे देते हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल? यस, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय धातु के रूप में जाना जाता है? एल्कलाइन मेटल कौन सा है? यदि आप पीरियोडिक टेबल जानते हैं 2A या 2A, यदि आप करते हैं तब भी आप इसको आंसर देने की स्थिति में होंगे। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके के सारे इसके जवाब हो जाएंगे। तो ऑप्शन वाइज कोबाल्ट, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, कॉपर, तो क्या हो जाएगा साथियों, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। और मुझे यकीन है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब देने की स्थिति में होंगे। यस, चल, पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? आधुनिक, याद करो हमने कहा था पियरे डे कुबर्टिन ने 1894 में, पियरे डे कुबर्टिन ने 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी और इस कमेटी के नेतृत्व में 1896 में ग्रीस एथेंस में ये स्पोर्ट्स कराया गया था, जहां 13 देशों ने हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा मेडल ग्रीस के पास था, लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अमेरिका लेके आया था, तो इसलिए पहले नंबर पर अमेरिका को रैंक आता है इस मेडल में। और भारत की तरफ से इसमें हिस्सा नहीं लिया गया था पहले ओलंपिक में, याद करेंगे आप। भारत दूसरी बार जब 1900 में पेरिस में जब ओलंपिक होता है, जहां पहली बार महिलाओं की एंट्री होती है, उसी समय भारतीयों की भी एंट्री होती है। चल, तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रीस। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों पार्टिसिपेट करते हो? बताइए, याद करिए 8 अप्रैल 1948 को भारत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारत को मिक्स्ड इकोनॉमी घोषित किया गया था, और जब भारत ने अपने आप को कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मिक्स्ड। चलिए, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? निम्नलिखित में से कौन सा गंगा के तट पर नहीं है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फाफ माऊ, हजारीबाग, कानपुर, वाराणसी। तो देखो, दो तो आपका कंफर्म होना चाहिए, कानपुर और वाराणसी तो है ही है। अब प्रश्न है कि हजारीबाग कहाँ है? तो हजारीबाग आप जानते हैं ये कहां पर है साथियों, पहले तो मैं कमेंट वाला ये लैपटॉप सामने रख दूं ताकि आपके कमेंट में देख पाऊं। ऐसा तो नहीं है कैमरे में आ रहा है? चलिए, चेयर तो नहीं आ रहा है साथियों कैमरे में?
ये नहीं आना चाहिए। तो ये कहां पर? झारखंड में बोकारो जिले के पास कुनारू नदी पर है। तो ये नहीं है जो गंगा के तट पर स्थित नहीं है। चल हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ। यस, कौन है जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से माना जाता है? तो आप जानते हैं कि 1951 में जनसंघ की स्थापना जिन्होंने की थी, उन्होंने ही सबसे पहले कांग्रेस के मंत्रिमंडल से अपने आप को रिजाइन किया था। कांग्रेस के मंत्रिमंडल से रिजाइन किया था। फाम्फाऊ शायद नॉर्थ ईस्ट में है, फाम्फाऊ एग्जैक्ट। और ये कौन है साथियों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अभी देख रहे होंगे इसी के बेस पर मानते हैं कि आगे चल के बीजेपी के स्थापना के बीच देख रहे होंगे कि आप बाद में, अभी मोदी जी लगभग जितने स्कीम लॉन्च करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सम्मान में ही करते हैं। बोल रहे हैं पीडीएफ नहीं सेंड किया क्या साथियों? लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं सेंड किया है? सही से बताइए। यस, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन? याद करो हमने बताया था कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज 6 लैंग्वेजेस हैं। हमने कहा था अमेरिका और ब्रिटेन का इंग्लिश, फ्रांस का फ्रेंच, रशिया का रशियन, चाइना का चाइनीज। तो ये 5 परमानेंट मेंबर का तो 4 लैंग्वेज है। फिर हमने कहा था कि जो अरब कंट्री है इनको लेकर के भी हम आ गए। तो लास्ट में 1971 में अरबिक को अपनाया था। और एक यूरोप के अधिकांश देश बोलते हैं तो एक स्पेनिश को भी लेकर के आए। तो इस तरीके से हमारे पास कुल कितने लैंग्वेज साथियों? 6 लैंग्वेजेस जो हैं ये यूएन के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट वन टू लॉन्च ब्लॉकचेन इनेबल्ड सोलर पावर ट्रेडिंग इन द दिसंबर 2020? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर 2020 में ब्लॉकचेन सक्षम सौर ऊर्जा व्यापार शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कर्नाटक, सिक्किम और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो अब इस प्रश्न का इस समय को लॉजिक नहीं है। तब का मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया था, तब का तो चलो ये मान लिया जाएगा कि उस समय का करंट था, लेकिन अब का ये करंट नहीं है। तो अब किसी काम का नहीं है ये। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि अब हमारे काम का है। तो अब अभी भी हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये जीके टाइप का हो गया कि किसके मदद से? तो यूपी ने ऑस्ट्रेलिया की मदद से ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया था। चलिए यदि आप उत्तर प्रदेश कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। चले आप सभी का जवाब उत्तर प्रदेश है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल एकेडमी प्रोग्राम फॉर ई स्पोर्ट्स एकेडमी? यस, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करने की घोषणा की है? असुस, जियो, सैमसंग और डेल, बताइए। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया साथियों? तो इट इज स्टार्टेड बाय असूस। अब ये उस समय का करंट है, अभी के लिए कोई जरूरत नहीं है। चल यस, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड इंडिया इन 1712? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी हम किसे कहते हैं जिसने सिंध पर हमला किया था? राजा दाहिर का शासक था। और आप जानते हैं कि ये पहला अरबी था या पहला मुस्लिम कहते हैं, है ना, जिसने इस्लामिक परंपरा की शुरुआत कर दी भारत। चलिए तो कौन साथियों? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया था। इज एन इकोनॉमिक सिनारियो वेयर अ पेकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ लो ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन इज विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज। याद करो हमने कहा था ये एक प्राइस लेवल है। प्राइस के बढ़ने को की घटना को हम क्या कहते हैं साथियों?
इन्फ्लेशन। जब प्राइस कम होने लगता है तो हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति। पूछ रहे हैं कि जब दोनों हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों? स्टैगनेशन। स्टैगनेशन ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 5 से 6 बार हम लोग कर चुके हैं, जब मैंने कहा था इन्फ्लेशन हो और साथ में लो डेवलपमेंट, लो ग्रोथ, तो इसको हम कर रहे होते निम्न विकास। इन्फ्लेशन विथ लो डेवलपमेंट। कूलाम पर सेकेंड इज इक्वल वैलेंट टू। अब देखो ये क्वेश्चन कल परसों भी हमारे पेपर में आया था, वहां पे थोड़ा सा उल्टा पूछा गया था कि किसका यूनिट है। अब सीधे पूछ रहे हैं कूलाम पर यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है। सर ग्रुप डी का स्ट्रेटजी बताओ, वैसे कुछ ग्रुप डी का भी किया करो। मेरे बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कर रही है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कुछ भी हो, वो सब सेम क्वेश्चन है। यदि आप ग्रुप डी के नाम पे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या ग्रुप डी के नाम पे कोई कोचिंग कर रहे हैं तो साथियों आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इससे बचिए। आप ये समझिए कि टीसीएस ही एग्जाम कर रही है और सीएचएसएल। आप एक बार एनटीपीसी का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सीजीएल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, रेलवे का, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। लेकिन यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्या ही कहूं। तो कूलाम पर सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है साथियों? एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है। मैं तो आपको लगभग 2 साल से सीख रहा हूं ये बात कि आप लोग सीजीएल सीएचएसएल या स्टेनो या एमटीएस या इस तरीके के तैयारी करने के बजाय आप लोग क्या करें, टीसीएस के क्वेश्चन को करें, आपको एक भी जीएस में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बात समझने में चलो, हमने कहा है कि दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, लेकिन या मार्कर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच, बोर्ड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कहते हैं कोहेसिव। और दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को, जैसे मार्कर का और ये बोर्ड का, इनके बीच लगने वाले फोर्स को हम एडहेसिव कहते हैं, असंजक बल। और दो आपस में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। हमने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, पृष्ठ तनाव, तो वहां पर हमने ये डिस्कस किया है, ससंजक बल कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू प्ले द यूरोपियन फुटबॉल क्लब? निम्नलिखित में से यूरोपियन फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला पहला भारतीय उपमहाद्वीप का खिलाड़ी कौन बना? तो अब ये इस समय का कोई मतलब लॉजिक नहीं है, लेकिन चलिए, तो इट वाज द मोहम्मद सलीम पहले खिलाड़ी बने थे। चलिए, मोहम्मद सलीम वाज द फर्स्ट प्लेयर। थुलाल इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? थुलाल किस राज्य का नृत्य है ये आपको बताना है। थुलाल इज द डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा, थुलाल इज द डांस फॉर्म ऑफ केरला, थुलाल इज द डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड थुलाल इज द डांस फॉर्म ऑफ गोवा। आपको बताना है कि किस राज्य से संबंध रखता है, तो किस राज्य से संबंध रखता है साथियों? तो थुलाल इज द डांस फॉर्म ऑफ केरला। ये केरल का एक व्यंग्यात्मक नृत्य है जिसमें कई सारे कलर मिला करके जो डांसर है वो मतलब एक जोकर टाइप का एक्टिंग कर रहा होता है। चले, आपको बुक हम स्टैटिक वाली बच्चों अक्टूबर लास्ट तक दे देंगे। सिर्फ रेलवे का बुक क्वेश्चन बचा हुआ है, सीजीएल सीएचएसएल रेडी हो चुका है। केरल इज अ सोशल एनिमल दैट रियलाइज अपॉन इट्स रिलेशनशिप विथ प्लांट्स लाइक एल्गी टू बिल्ड द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑन अर्थ। एक सेसाइल जानवर जो कि पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण जैसे शैवाल जैसे पौधों के साथ अपने संबंधों पर
निर्भर करता है कौन सा है, बर्ड, मैमल, कोरल, एयर और रेप्टाइल। अब देखो यहाँ पर कैसे कवर करेंगे, यहाँ पर उन्होंने क्लू दे दिया एल्गी से संबंधित है, और ये कौन है साथियों, इट इज अ मूंगा, कोरल। यदि आप मूंगा या कोरल कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। चलो चलिए, ये तो पहले से क्या था क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सी ऑफ पॉपीज। यस, अब ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, सी ऑफ पॉपीज किसने लिखी है, तो सी ऑफ पॉपीज किसके द्वारा लिखी गई है साथियों, तो इट वॉज रिटन बाय अमिताभ घोष। किसने लिखा है मित्रों, इट इज रिटन बाय अमिताभ घोष, अमिताभ घोष के द्वारा इसे लिखा गया है। चल, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। स्वामी विवेकानंद हैड मेंशन द सुपरमेसी ऑफ वेदांता फिलोसफी ऑफ द शिकागो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रिलीजियस इन द ईयर। स्वामी विवेकानंद ने जो भाइयों और बहनों वाला जो स्पीच दिया था, जिसके लिए वो काफी पॉपुलर हुए थे, वो शिकागो में हुआ था, तो पूछ रहे हैं कब हुआ था, तो ये कब हुआ था साथियों, 1893, 1893 में उन्होंने ये स्पीच दिया था, 1893, 1893। अकॉर्डिंग टू द 2021 सेंस, 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेज। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे अधिक गांवों की अधिकतम संख्या किसके पास है, सबसे अधिक गांव किसके पास है यह आपको बताना है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो सबसे अधिक गांव वाला राज्य कौन सा हो गया साथियों, तो इट इज द बिहार, बिहार इज द राइट आंसर। चल विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल फेयर हेल्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला आयोजित किया जाता है, अश्विन मेला, डोंगरी फेस्टिवल, नलवारी मेला और मणि महेश मेला। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है जो हिमाचल में मार्च और अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है, बताइए, अश्विन, डोंगरी, नलवारी या मणि महेश, तो कौन से साथियों, तो इट इज नलवारी फेयर, नलवारी महोत्सव, नलवारी मेला का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहते हैं, या दलदली गैस भी कहते हैं, या ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, कई सारे नामों से आप जानते हैं, ये कीचड़ वाले जगहों पर या गंदे जहां पानी एकत्र हो जाते हैं वहां पर ये पाया जाता है, तो कहां पर साथियों, क्या होगा इसका आंसर, इट इज द मीथेन, कौन सा दोस्तों, मीथेन में होता है। द टर्म ऑफ SI प्रीफिक्स 10:15 इज नोन, 10^15 को हम क्या कहेंगे, ऑटो, जेप्टो, एक्टो, फेम्टो, यह अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि मेट्रिक सिस्टम हमने कब एक्सेप्ट किया था साथियों, इंटरनेशनल मेट्रिक सिस्टम, तो ये हमने 1964 में 1964 में इसे अपनाया था, और इसमें हम फेम्टो को 10^15 में रखते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं आने चाहिए, चलो आ रहे हैं तो कुछ कह ही नहीं सकते। यूज टू मेजर द प्रेशर इन साइड द आईज ऑफ अ पर्सन, किसका उपयोग आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए यूज किया जाता है, मैकमीटर, वेस्कोमीटर, ओडोमीटर, टोनोमीटर। यदि आपको याद हो ओडोमीटर क्या होता है, विस्कोमीटर क्या है, मैकमीटर क्या है, तो आप इजिली रिप्लेस करके किसका आंसर कर सकते हैं, नया क्या है आपके सामने, टोनोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं। चल, टोनोमीटर इज द राइट आंसर। 31 अक्टूबर 2020 को हम क्या मना रहे हैं, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसके बर्थडे पर हमने जम्मू कश्मीर को यूनाइट
अलग करके राज्य बना दिया, जो भारत के आयरन मैन कहे जाते हैं, लौह पुरुष ऑफ इंडिया। जैसे विश्व का लौह पुरुष किसको कहते हैं? बिस्मार्क को। इंडिया का लौह पुरुष किसको कहते हैं साथियों? इन्हीं को, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को यूनाइट करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जो आज भारत भारत है, तो इसमें इन्हीं की वजह से है। चले, अ सेचुरेटेड जियोलॉजिकल यूनिट विच कैन एल्ड वाटर टू द वेल्स एट द सफिशियंट रेट टू सपोर्ट अ वेल इज कॉल्ड। एक संतृप्त भूवैज्ञानिक इकाई जो कुएं को सहारा देने के लिए पर्याप्त दर पर कुओं को पानी दे सकती है कहलाती है एक्विफायर, जलभृत, रिजर्वर, एस्चुरी और क्रस्ट। मतलब ये क्या कहलाएगा, किस नाम से जानी जाएगी? एक्विफायर यूनिट विच कैन एल्ड वाटर टू द वेल्स इन सफिशियंट रेट, तो किस नाम से जाना जाएगा साथियों? ये एक्विफायर के नाम से, जलभृत के नाम से जाना जाएगा, एक्विफायर। चल, हु ऑथर द बुक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। सपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम प्रकाश, चेतन भगत, खुशवंत सिंह और अर्जुन सुंदरम। अब देखो, ये इस साल का करंट का क्वेश्चन था, लगभग सभी टीचर्स ने, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था यूट्यूब पर भी। दैट वाज द प्रेम प्रकाश, इट इज द प्रेम प्रकाश इज द राइट आंसर। चल, हिमा दास इज अ, अब ये तो कर ही लोगे, स्प्रिंटर, बॉक्सर, स्विमर, क्रिकेटर। बताइए हिमा दास क्या है साथियों? स्प्रिंटर, धावक। जल्दी बताइए, क्या स्प्रिंटर आप कर रहे हैं क्या? यस। चल, ये इंपॉर्टेंट हो गई है। चिनकारा इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज अ, अब ये तो एक क्वेश्चन बनता है कि चिंकारा किस राज्य से है, तो आपका हो गया मध्य प्रदेश। अब ये किससे मिलके बना होता है, किस पर इसका उपयोग किया जाता है? प्लेट, विंड, स्ट्रिंग और मेम्ब्रेन। अब ये देखो, ये अपने आप में एक टफ सा क्वेश्चन है। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसी के लिए हमने कई सारे सेशन इस यूट्यूब पे बनाए हैं, जल्दी एक दो दिन में और बना देंगे। स्ट्रिंग, अब ये भी फालतू क्वेश्चन ही है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। आज हमारे पास 11 हो गए। इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का लघु संविधान कहते हैं। और इस लघु संविधान के द्वारा इंदिरा गांधी ने हर वो चीज जोड़ा जहां से वो जोड़ सकती थी। इतने ज्यादा चेंज कर दिए कि बाद में मुरारजी देसाई ने उनको चेंज करने के लिए एक 44th अमेंडमेंट किया 1978 में। चले, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पाल शासक किसके द्वारा साथियों? धर्मपाल के द्वारा। इट वॉज स्टेब्लिश, धर्मपाल ने इसे स्थापित किया था। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स इज अ लेफ्ट आर्म पेस क्रिकेटर। अब ये भी अपने आप में एक फालतू सही क्वेश्चन है कि लेफ्ट आर्म क्रिकेटर कौन सा है, तो जो थोड़ा बहुत क्रिकेट क्रिकेट देखते होंगे वो बता सकते हैं। क्या जवाब देंगे? यदि आशीष नेहरा दे रहे हैं तो आप सही दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी दे रहे हैं तो गलत है। क्रिकेट क्रिकेट देखते हैं तो देखिए फायदा है। वेन वॉज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ स्किल इंडिया मिशन? आइए हम आपको स्किल देंगे, स्किल इंडिया। जैसे भारत सरकार, भारत ने, मोदी जी ने कहा कि भारत में दिक्कत क्या है कि लोगों के पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है, तो हम उसके लिए एक स्किल कार्यक्रम लेकर के आएंगे। और इस स्किल कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने 2015 में कर दी थी, स्टार्टअप, स्टैंडअप, सब इसी का पार्ट। यस, यशो विग्रह, महिर चंद्र एंड चंद्रदेव वेयर द फर्स्ट थ्री रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। ये किस
वंश के पहले तीन शासक हैं? अब ये अपने आप में एक फालतू क्वेश्चन ही है, गढ़वाल, चौहान, मराठा। इट इज आंसर इज द गढ़वाल, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन की हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे और ना आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान होने की जरूरत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2010 से जब 60 साल इसका पूरा हो गया था, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हर साल हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हैं। कई बार टीसीएस ने पूछ लिया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं बस। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट ऑफ इंडिया? तो भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है साथियों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य मित्रों कौन सा? महाराष्ट्र। जबकि क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा साथियों? राजस्थान। तो इन्होंने क्या बोला, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? चल सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र। यदि आप महाराष्ट्र आंसर कर रहे हैं तो आप ठीक करें, इसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो साथियों आप गलत कर रहे हैं। चलिए, ग्यासुद्दीन तुगलक वाज द गवर्नर ऑफ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दौरान ग्यासुद्दीन तुगलक कहां का शासक था, सॉरी राज्यपाल था? आप जानते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से शासन करता था और वो उस समय दीपालपुर का शासक हुआ करता था। दीपालपुर कहां साथियों? पंजाब में। यदि आप दीपालपुर कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं साथियों तो आप गलत कर रहे हैं। यस, इट इज अ पंजाब, पंजाब का दीपालपुर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड टू हैव मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, है ना? दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक, देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक आजकल उपलब्धि हो गई। लोगों ने आए और सोशल मीडिया बनाया और सोशल मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड और रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन। तो कहां पर इन्होंने 1 मिलियन को पार कर दिया है? ट्विटर पर। चलिए, व्हाट डू यू कॉल अ प्रोपोर्शनेट सेविंग इन द कॉस्ट गेन बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन? उत्पादन के बढ़े हुए प्राप्त लागतों से अनुपातिक बचत को आप किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट। यदि आपने थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ा हो कि किस तरीके से हम इनपुट को आउटपुट और किस तरीके से सेविंग के कैटेगरी को हम यूज करते हैं, तो भी आप इस प्रश्न को करने की स्थिति में होंगे। इकोनॉमिक ऑफ स्केल इज द राइट आंसर। अब देखिए, 2021 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अब ये भी अपने आप में एक पुराना क्वेश्चन है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन, इसको हम एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब गलत ही देंगे। यदि आप इस प्रश्न का जवाब सही दे रहे हैं तो आपका करंट, यकीन मानिए, आप बेहतर कर रहे हैं। इट इज द नरेंद्र मोदी। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पोलियो का टीका विकसित किया गया? एफजी हॉकिंस, जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर एंड रॉबर्ट कोच। अब देखो, पोलियो का वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये हमारे लिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप जानते हैं कि 1955 में 1955 में इसे डिस्कवर कर दिया गया था और इट वाज जोनास साल्क इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ अ नेचुरल एडमिक्सचर मिनरल ऑफ जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रोस जिंक सिलिकेट? जिंक कार्बोनेट और हाइड्रस जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक मिश्रण खनिज का सामान्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? कैलामाइन, चाक, पेंजोलो और बोरेक्स, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल नेम है जिंक कार्बोनेट और हाइड्रक्स जिंक सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है? तो इट इज द कैलामाइन।
अब उल्टा भी पूछा जा सकता है, कैलामाइन का केमिकल नेम क्या है, बल्कि यही पूछा भी गया है। तो ये दो शिफ्ट के हम कर चुके हैं, हम थर्ड शिफ्ट का देखते हैं। 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सिटीज बिकम द पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन 2019, ये हम लोगों ने यूनेस्को वाला जब पढ़ा था तो वहाँ पर डिटेल डिस्कस किया था, और किन दो शहरों को हमने शामिल किया था, तो इट वॉज द मुंबई एंड इट वॉज द हैदराबाद। मुंबई और हैदराबाद को क्रिएटिव नेटवर्क कैटेगरी में हमने शामिल कर लिया था। काकोरी हत्याकांड, सॉरी काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था आपको याद हो? काकोरी षड्यंत्र किसके द्वारा? एचआरए के द्वारा किया गया था। बाद में जब इन पर आरोप लगा तो यही एचआरए एचएसआरए में कन्वर्ट हो गया। काकोरी ट्रेन डकैती, जो सैनिकों को पैसे चाहिए थे, मतलब हमारे युवाओं को, तो उन्होंने जो धन जा रहा था ट्रेन में रखकर उसको लूटने का प्रयास किया। दैट वॉज द 1925, 1925। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल TEPC इन जनवरी? देखे, हमने कहा था कि आपको अपॉइंटमेंट वाले में जरूर जरूर, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है, कि अपॉइंटमेंट जो हुए हैं वो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अपॉइंटमेंट ये याद करना शायद मुश्किल है, इसीलिए बार बार ये पूछे जाते हैं। चले तो कब साथियों, सॉरी किसे? तो इट वॉज द संदीप अग्रवाल। यस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च इन इंडिया? भारत में पहली बार रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? 1963, 1977, 1948 और 1973। अब आप जानते हैं कि जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं कहाँ से लॉन्च करते हैं साथियों? केरल के पास जो थुम्बा है, तिरुवनंतपुरम में थुम्बा रॉकेट लॉन्चर सेंटर जो है वहीं से हम लॉन्च करते हैं, और ये इसरो के द्वारा 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। तो पहला रॉकेट हमारा 1963 में लॉन्च किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन 2021? देख रहे हो, एक एक पेपर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किस बात के? अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट के ही आ रहे। किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया साथियों? इट वॉज द सिद्धार्थ मोहंती। ये हमने सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया है। विच फिनोमिनन डील्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम वेन दे आर एक्साइटेड टू द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स? कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं के द्वारा कंपन ऊर्जा के स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? यह आपको बताना है। रेले इफेक्ट, हाइजेंस इफेक्ट, रमेन इफेक्ट और मैक्सवेल इफेक्ट। तो आपको याद हो, इट इज द रमेन इफेक्ट जिसके लिए हमने नोबेल प्राइज भी दिया था। चले, तो किसे साथियों? रमेन इफेक्ट के लिए दिया गया। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द जिंदल साउथ वेस्ट JSW स्टील एज ऑफ जनवरी 2021? देख रहे हैं, यानी एक ही साल से कितने क्वेश्चन, एक ही मंथ से हम कितने क्वेश्चन उठा करके आपको दे दे रहे हैं। ऋषभ पंत, MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो इट वॉज द ऋषभ पंत। किसे साथियों? ऋषभ पंत को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना PMKBY जनवरी 2021 में सभी राज्यों के कितने जिलों में तीसरे चरण में शुरू किया गया था? आप जानते हैं कौशल विकास योजना हमने पढ़ा था भी, 2015 में शुरू किया गया, और अब भारत के सभी जिलों में इसे हमने शुरू कर दिया है, 600 जिलों में शुरू कर दिया है। चल, 600। विच ऑफ द ईयर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम युवा खेल मंत्रालय के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स वाज स्टार्टेड इन? टॉप्स की शुरुआत कब की गई थी? यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है।
इसमें 2014 में ही शुरू कर दिया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया भारत सरकार के द्वारा, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ओलंपिक में स्पोर्ट्स प्लेयर मतलब बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, इस तरीके को लेकर के। इट इज द 2014, 2014, अच्छा 2014, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वेनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, देख रहे, स्टडी ऑफ डिफरेंट साइंस, हर पेपर में एक है। अब सपनों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? यदि आपने इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, तब भी आप इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में होंगे। तो सपनों के अध्ययन को हम किस किस नाम से? वर्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, या वर्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब इस उम्र में क्या सपने आते होंगे आप लोग को, नौकरी के या? नो कमेंट। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, इसका जिक्र है। तो आप जानते हैं मित्रों, साथियों, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, और अब तक हमने 105 अमेंडमेंट कर दिए हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं? ये आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं। अ चैनल ऑफ कैनाल्स वेयर वाटर फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, एक ऐसा चैनल जहां पर एक ऐसा चैनल जहां गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पानी बहता है कहलाता है। लिफ्ट चैनल, बारबेंडी चैनल, कमांड एरिया और फ्लो चैनल। तो जहां पर पानी का फ्लो बना हुआ है, दैट इज नोन एज द फ्लो चैनल, प्रवाह चैनल के नाम से जाना जाता है। यस, अब देखो, ये बच्चे बच्चे को पता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है। हम आपको स्टेट का नाम बता देते हैं, मणिपुर। अब आपको बताना है कि किस नाम से है, किस नाम से जाना जाता है। बलक्रम नेशनल, केबुल नाम जाओ, नागरहोल और गुमाल, बताइए गुगा माल किस स्टेट में है? तो हमने कहा मणिपुर में। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और मुझे लगता है सबको पता भी होगा ये। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द देयर वुड बी नो टैक्स लिवाइड ऑन कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यस, गुड क्वेश्चन। यदि आपने मेरा टेक्स्ट चैप्टर देखा होगा, इसी YouTube पे पढ़ा है, तो मैं टैक्स के डिफिनेशन के बाद सीधे यही लिखवाता हूं कि टैक्स लगाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, जहां पे लिखा गया है कि सरकार टैक्स लगा सकती है। इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, दूसरा चौथा लाइन ही है। आर्टिकल 265 कहता है सरकार तभी टैक्स लगा सकती है जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दे। यदि ये आर्टिकल नहीं होता तो सरकारें जब चाहती, जैसे चाहती, जो चाहती टैक्स लगा लेती, और ये आर्टिकल नहीं होता तो हम और आप टैक्स देने से मना कर देते। तो इस आर्टिकल के होने से सरकार भी सुरक्षित है और जनता भी सुरक्षित है। ऑल मॉनेटरी ट्रांसफर ऑफ अ काइंड सेंट बाय माइग्रेंट्स टू देयर पीस ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड, है ना। यदि कोई, जैसे भारत के नागरिक भारत से बाहर कमाने गए हैं, तो जो पैसा भारत को भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जब कोई नागरिक किसी दूसरे देश से पैसा भेजता है अपने देश में, तो उसको हम रेमिटेंस कहते हैं, परितोष कहते हैं, प्रेषण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेमिटेंस। हम विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस लाने वाले देश हैं अभी भारत। टेरेस फार्मिंग किस प्रकार के भूमि पर की जाती है? सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाएगी? ये तो आप मतलब बचपन से हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, तो कहाँ पर करते हैं? हिली एरिया में, हिल्स में करते हैं। पता नहीं ये किस शिफ्ट का पेपर था, ये आसान क्वेश्चन शिफ्ट है ये। देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज द पराक्रम दिवस, किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस के जन्म के
आधार पर पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसी साल उनके जन्म का 125 साल पूरा हो गया था। उनके 125 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हम हर साल पराक्रम दिवस मना रहे हैं। 23 जनवरी पराक्रम, 24 जनवरी बालिका दिवस, 25 जनवरी वोटर डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, कई सारे नाम से जानते हैं। द पीरियोडिक लॉ एज वेल एज नोन इज टूडे इज डेवलपमेंट टू। आवर्त नियर, जैसा कि हम आज जानते हैं, इसका विकास का कारण कौन है, किसने ये मतलब पीरियोडिक लॉ दिया है? तो पीरियोडिक टेबल किसने बनाया साथियों? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेंडलीफ ने बनाया है। यहाँ फुल फॉर्म दे दिया, दिमित्री मेंडलीफ। हु रोट द समुद्रगुप्ता प्रयाग प्रशस्ति? नहीं, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का उल्लेख किया गया संस्कृत में। और ये किसे किसने लिखा था साथियों? इट वॉज रोटेन रिटन बाई हरिसेन। नहीं, अब ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। ये शिफ्ट जिसका भी रहा है बहुत आसान रहा है जीएस के मामले में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नेचुरली फॉर्म्ड बाय द एनर्बिक डीके ऑफ द फॉस्फोरस कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक मैटर्स? निम्नलिखित में से कौन सी गैस कार्बनिक पदार्थों से युक्त फॉस्फोरस के अवयवी क्षय के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बनती है? प्रोक्लोरी फ्लोराइड, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, फास्फीन एंड फास्जीन। तो यदि आप इस क्वेश्चन का जवाब कर पाते हैं तो बेहतर है, नहीं कर पाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये थोड़ा सा बदमाशी वाला क्वेश्चन है और इट इज द फास्फीन। यदि आप इसका आंसर फास्फीन कर रहे हैं तो ठीक है। चल, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में, जिन्होंने कहा कि हमारी गरीबी का कारण ये अंग्रेज हैं, जिन्होंने कहा कि जिन्हें हम भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया, तो इन सभी चीज़ों का जवाब कौन है साथियों? दादा भाई नेहरोजी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, धन के निर्गमन का सिद्धांत उपलब्ध कराया था, दादा भाई नेहरोजी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ बीसीसी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल? बीसीसी कंप्लेंट काउंसिल जो बनाई गई, उसके पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहली महिला अध्यक्ष जस्टिस गीता मित्तल जी को नियुक्त किया गया। द हेमिस फेस्टिवल, यस, इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। गुड, जनरली आता था हेमिस फेस्टिवल कहां मनाते हैं, पूछ ले लद्दाख में। ऑन द 10th डे ऑफ तिब्बत लूनर मंथ टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड्स ऑफ द फेस्टिवल डेडिकेटेड? अब ये भी नहीं कर पाओ तो कोई फायदा नहीं है। हेमिस महोत्सव किस भगवान को समर्पित है? तो ये आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध को समर्पित है। महात्मा बुद्ध किसे के एक अवतार? पद्म संभोम, तो लॉर्ड पद्म संभोम को समर्पित है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया? निम्नलिखित में से किसने लिखा है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर? किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 2018 में लिखा गया। और ये किसके द्वारा साथियों? तो हमने कहा है कि जब भी ऑप्शन में हो और ना पता हो तो आपने बिना कुछ सोचे इन्हीं का नाम लेना है। किनका नाम साथियों बताइए? शशि थरूर। चलो लास्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अकबरनामा अबुल फजल, अब्दुल समद, फैजी, अब्दुल लतीफ, किसके द्वारा लिखा गया बताइए? आप जानते हैं कि अब अकबर के दरबारी कबूल कभी कौन थे साथियों? तो अकबर के दरबारी कबूल कभी अबुल फजल
तो उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया। तो ये क्वेश्चन था। अब है बताएंगे कि आपको क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट साथियों हमने कहां से लिया है? तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारत में कितने प्रकार के हैं? तो तीन टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है हमारे पास। एक जिसमें ऑर्डिनरी मेजोरिटी चाहिए होता है, सामान्य बहुमत, ऑर्डिनरी मेजोरिटी सामान्य बहुमत, इसको जनरली हम अमेंडमेंट के रूप में नहीं मानते, सामान्य चेंज मानते, इसको काउंट नहीं करते। जैसे मान लीजिए किसी राज्य का नाम चेंज करना हो, बाउंड्री चेंज करनी हो, कोई नया राज्य बनाना हो, इस तरीके की चीजें। दूसरा मित्रों एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, विशिष्ट बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी क्या कहता है कि जितने लोग हैं प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटेड के 2/3, यानी जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग उसमें से मतदान कर रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए। और तीसरा कहता है साथियों स्पेशल मेजोरिटी विशिष्ट बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी विशिष्ट बहुमत और मोर देन 50% स्टेट, 50% से अधिक राज्य, विशेष बहुमत हो और 50% से अधिक राज्य हो। ये जनरली वो हैं जिनमें सेंट्रल स्टेट के पावर से रिलेटेड कोई मामला है तो उसमें कोई चेंज करना है। तो ये तो संविधान का लगभग मान लो 50-55% हिस्सा इसमें है, 25-30% हिस्सा इसमें है और लगभग 15-20% हिस्सा इसमें है। तो हमारा संविधान कैसा है साथियों? तो हमारा संविधान कैसा है तो हम बोलते हैं मैक्सिमम रिजिड, अधिक कठोर एंड लेस फ्लेक्सिबल, कम लचीला है, अधिक कठोर और कम लचीला। अधिक कठोर का मतलब क्या है? चेंज करना थोड़ा तुलनात्मक रूप से मुश्किल है। तो ये जनरली सामान्य पेपरों में क्या आता है कि भारत का संविधान कैसा है तो हम कहते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल ज्यादा है, लेकिन उसी पेपर का लेवल जब थोड़ा सा टफ कर देते हैं और कहते हैं कि लेस फ्लेक्सिबल, मोर रिजिड, लेस फ्लेक्सिबल, तो इस तरीके से हमसे प्रश्न बनता है। तो यहां पर मैंने क्या कहा, मोर रिजिड लेस फ्लेक्सिबल, अधिक कठोर और कम लचीला है। तो ये तो हमने एक बेसिक सा बताया कि भारत का संविधान कहां से क्यों कैसे लिया गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। यदि आप में से अधिकांश लोगों ने ये क्लास नहीं की हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो मैं पहले थ्योरी बता दूं और उसके बाद MCQ करवा दूं। और दूसरा, यदि आप में से अधिकांश लोगों ने अमेंडमेंट पढ़ा होगा तो सीधे मैं MCQ करवा दूंगा और जहां जहां हमें जरूरत होगा वहां वहां हम डे एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सा मेथड ठीक रहेगा। स्टैटिक वाला क्लास कंप्लीट हो गया है क्या? हाँ, जितना पढ़ाने वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आपको कोई टॉपिक लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक सर हमारा रह गया है तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। जैसे किसी बच्चे ने कहा था कि बुक एंड ऑथर नहीं पढ़ाया गया, तो मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया, उसमें पढ़ाने के लिए नहीं, उसको रटना ही है। सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसमें हमें थोड़ा बहुत पढ़ाना है, करेंट वाले बुक एंड ऑथर, तो उस पर हम कल या परसों में हम करेंट का सेशन लेके आ रहे हैं तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। चल, और कोई सजेशन हो आपका कौन सा हमें मेथड अभी फॉलो करना है, MCQ के थ्रू या थ्योरी के थ्रू, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथियों दोस्तों किसी का कोई सुझाव, कह रहे हैं MCQ से शुरू करें। चले ठीक, तो पहला क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस आर्टिकल में है। तो हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में है। और किस पार्ट में? तो हमने कहा पार्ट 20 में है, भाग 20 में है। और ये कहां से लिया गया है?
ये कहां से लिया गया है? तो ये हमने कहा कि ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। अधिकांश लोग कह रहे हैं क्वेश्चन बेस कराएं, तो वही करा लेते हैं। बोल रहे हैं किस अमेंडमेंट से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? बाय विच अमेंडमेंट गोवा एस्टैब्लिश्ड एज अ कंप्लीट स्टेट। तब थोड़ा समझो, गोवा मित्रों पुर्तगीज के कंट्रोल में था, तो हमने 1961 में ऑपरेशन विजय करके गोवा को भारत में शामिल कर लिया। गोवा को हम लोगों ने भारत में शामिल कर लिया। लेकिन गोवा को हमने जब भारत में शामिल किया है तो किस रूप में शामिल किया है साथियों? तो गोवा को हम लोगों ने यूटी के रूप में शामिल किया है, एज अ केंद्रशासित प्रदेश। आप जानते हैं कि भारत से बाहर कोई भी हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया जाता है, तो शुरू में यह क्या है? यूटी है। लेकिन बाद में हमने इसे क्या किया साथियों? अमेंडमेंट करके मित्रों हमने इसे स्टेट बना दिया और इट वॉज कन्वर्टेड एज अ 25th स्टेट। इसे 25वां राज्य बनाया गया। कब मित्रों? 1987 में, 1987 में। किस अमेंडमेंट से साथियों? 1987 में इसे हमने 25वें राज्य के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया। और किस अमेंडमेंट से? बाई 56 अमेंडमेंट, 56वें संशोधन से। इसे हमने 56वें संशोधन से हमें भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो दो तरीके से क्वेश्चन हो गया कि गोवा किस अमेंडमेंट से भारत का स्टेट, कब भारत में शामिल हुआ, कब इसे हमने यूटी से स्टेट बनाया, कौन से नंबर का स्टेट बना। इस तरीके से हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने दोनों बातें आपको बता दिए हैं। यहां पर उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चल, आप जानते हैं कि जब गोवा भारत में शामिल हुआ तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ऐसे ही तो आने जाएगा। तो हमने साथियों 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे भारत में शामिल किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इसे भारत में शामिल किया। कौन कौन से? 1962 में, सॉरी 61, कौन कौन से? गोवा, दमन दीव, इनको हमने भारत में अमेंडमेंट करके यूटीज का दर्जा दे दिया हमने। चल, तो अमेंडमेंट किस ईयर में साथियों? 61 में, लेकिन लागू कब किया गया? 62 में। तो दोनों तरीके से कि भारत में गोवा शामिल कब हुआ? 61 यूटी का दर्जा 62, स्टेट का दर्जा 87, अमेंडमेंट कौन सा 56, यहां पे अमेंडमेंट कौन सा 12। तो अब यहां पर क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या क्वेश्चन है साथियों कि गोवा को किस अमेंडमेंट से फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया? स्टेट। तो अभी हमने क्या कहा साथियों? 56 अमेंडमेंट 1987, 56वें संशोधन से 1987 में हमने इसे भारत में शामिल कर लिया एज ए स्टेट। उससे पहले हम किस रूप में लेके आए थे? यूटी के रूप में। तो दोनों अमेंडमेंट याद रखना है। 12th अमेंडमेंट गोवा दमन दीव को शामिल किया गया 62 में 12th अमेंडमेंट करके। गोवा भारत में शामिल हुआ था 61 में ऑपरेशन विजय के तहत, लेकिन यूटी का दर्जा हमने 62 में दिया है और स्टेट का दर्जा हमने 87 में 56 अमेंडमेंट करके, और कौन सा स्टेट? 25वां स्टेट हमने इसे बनाया है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अथॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदी वॉज प्रोवाइडेड द पीपल ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट। किस संशोधन के द्वारा हमने हिंदी में संविधान का आधिकारिक पाठ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया? अब ये अपने आप में एक टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन चलो आया है तो हम इसको भी कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी नया पैटर्न जो आ रहा है एसएससी कुछ भी पूछ ले रही है, तो उसी के तहत हम देखेंगे। तो ये 1987 में किया गया 58th अमेंडमेंट से, 98वें संशोधन से, जब हमने कहा कि जो भारत का संविधान है वो पहले किस में लिखा गया था? इंग्लिश में। हमने इस अमेंडमेंट से कहा गया कि अब राष्ट्रपति भारत के लोगों को
जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो हिंदी में भी देंगे, या जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो किस में हिंदी में भी होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चाहे तो लिख सकते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अथॉरिटी टेक्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। तो 58th अमेंडमेंट, 98वां संशोधन, 1987। चल यस, ये हमारे लिए जरूरी है। अभी एक लॉ बना है कि सभी को रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा किसमें, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के छात्रों के लिए निजी और गैर शैक्षणिक दोनों में आरक्षण में, दोनों में प्रवेश में आरक्षण मिलेगा। निजी इंस्टीट्यूशन है उसमें भी, सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, निजी इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा किस चीज के लिए, एडमिशन के लिए। हालांकि राहुल गांधी का एक प्रपोजल है कि प्राइवेट जॉब में भी इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, तो हो सकता है इन फ्यूचर हम प्राइवेट जॉब में भी रिजर्वेशन दें, क्योंकि काफी तेजी से गवर्नमेंट जॉब खत्म हो रहा है। अब रिजर्वेशन सही है गलत है इस पर हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन में, प्राइवेट एजुकेशन में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो किस अमेंडमेंट से दिया गया है। तो ये साथियों 93rd अमेंडमेंट से, 93वें संशोधन से 2005 में ओबीसी एससी एसटी को तो पहले से मिल रहा था, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दे दिया गया। तो ये बेसिकली ओबीसी का ही पूछना चाह रहा है। तो 2005 में 93rd अमेंडमेंट के द्वारा हमने रिजर्वेशन दे दिया। चल बाय विच अमेंडमेंट, ये हमने क्वेश्चन किया आपके साथ कई बार, किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो अभी देखो याद करो, हमने कहा था कि जब राहुल गांधी 18 साल के हो गए थे, पापा प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जिद किया था कि मुझे भी वोट करना है। तो उन्होंने कहा कि आप तो वोट नहीं कर सकते, आपकी तो उम्र नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पापा मुझे वोट करना है। तो एक पिता के रूप में उनके अंदर का इमोशन जग गया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप वोट कर सकते हैं, और वोट के रूप में उन्होंने मतदान की आयु को कम कर दिया। तो ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना है, इस घटना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन की किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो आपको याद रहे, बस ये एक लॉजिक था। तो ये साथियों हमने 61st अमेंडमेंट करके, 61वां संशोधन करके 1989 में एज ऑफ वोट, मतदान की आयु, एज ऑफ वोट, मतदान की आयु को हमने 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया। और हमने कहा था कि इसी अमेंडमेंट से टू अदर इलेक्शन कमिश्नर, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त कमिश्नर एडेड इन, टू अदर इलेक्शन कमिश्नर एडेड इन इलेक्शन कमीशन, अन्य निर्वाचन आयुक्त को जोड़ा गया इलेक्शन कमीशन। पहले क्या था मित्रों, संविधान ने चुनाव आयोग में सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त तो दिया था, बाद में हमने इस अमेंडमेंट करके दो और जोड़ दिए, तो अब तीन हो गए। तो ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि कब इलेक्शन कमीशन में दो और मेंबर जोड़े गए, कब मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये दोनों तरीके से हमसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाई विच अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, किस संशोधन से संविधान में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को शामिल किया गया। तो याद करो ये हमने डिटेल सिखाया है आपको, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू एर्थ शेड्यूल में क्या है साथियों, तो एर्थ शेड्यूल में मित्रों क्या है, लैंग्वेजेस भाषाएं। तो भाषाएं किससे रिलेटेड, तो जब संविधान लागू हुआ था 1950 में तो इसमें 14 भाषाएं थी, और आज 2021 में हमारे पास इसमें 22 भाषाएं हैं। तो इसका मतलब है कि 14 में कुछ और भाषाएं जोड़ी गई। तो ये क्रम था, पहले एक 15वीं भाषा जोड़ी गई, फिर 16वीं, 17वीं, 18वीं, तीन एक साथ जोड़ी गई, फिर चार एक साथ जोड़ी गई। तो अभी इन्हीं चारों को पूछा है कि बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को कब और किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो याद करो हमने कहा था
फिफ्टींथ लैंग्वेज के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया था साथियों? तो 15वीं भाषा के रूप में हमने सिंधी को जोड़ा था। कब? इन 1967, 1967 में, बाई 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21वें संविधान संशोधन से, 21वें संविधान संशोधन से, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21वें संविधान संशोधन से हमने 1967 में शामिल किया था। फिर मित्रों 16th, 17th और 18th, 16वीं, 17वीं और 18वीं के रूप में हमने मणिपुरी और मित्रों कौन सा, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली और साथियों कोंकणी को हमने शामिल किया। कोंकणी को हमने शामिल किया कब साथियों? 71st अमेंडमेंट करके इन 1992, 71वें संशोधन से 1992 में। और मित्रों फिर हमने यहां पर चार और भाषाएं शामिल की। तो चार भाषाएं कौन कौन सी? 19th, 20th, 21st और 22nd। तो इसमें हमने बोडो मैथिली, संथाली और डोगरी को शामिल किया। और इनको हमने 92nd अमेंडमेंट करके, 92वां संशोधन करके 2003 में हमने ये चार लैंग्वेजेस जोड़ दिए। तो यहां से कई तरीके के क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कोंकणी कहां बोलते हैं? तो कोंकणी हम कहां बोलते हैं साथियों? ये हमने बताया था आपको, गोवा में। फिर हमने साथियों बोडो कहां? असम में। फिर हमने मैथिली कहां? बिहार में। संथाली कहां? झारखंड में। डोगरी कहां? जम्मू कश्मीर, हिमाचल में। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कब कब कौन कौन सा लैंग्वेज जोड़ा गया, हमने आपको डिटेल सिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब थोड़ा याद करिए, क्वेश्चन था कि बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी को कब शामिल किया गया? तो किस अमेंडमेंट से? 1992 में, 92nd अमेंडमेंट से 2003 में, 92nd अमेंडमेंट से 2003 में हमने शामिल किया है। चलिए, इमरजेंसी के दौरान कौन सा अमेंडमेंट पास किया गया था? अब देखो, तीन बार इमरजेंसी लगाया है, 1962, 1971 और 1975 से 77, 1975 से 77। तो इसके बीच में एक बड़ा अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट होता है, कब? इन 1976, 42वां संशोधन 1976, जब हम क्या कहते हैं इसे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ इमरजेंसी के टाइम में, तो सोच के देखो इमरजेंसी के टाइम में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है साथियों? तो 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट हुआ है जब हमने इमरजेंसी को लागू किया है। चल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। किस अमेंडमेंट से लोकसभा के टाइम पीरियड को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था? तो एक पॉइंट हम लिख ही लेते हैं कि क्या क्या हुआ था 42nd से। 42nd अमेंडमेंट से हमने बहुत सारे चेंजेस किए थे, यहां पे शायद दिया हुआ है, मुझे लगता है कि हमारा टाइम बच सकता है, यहाँ डिटेल दिया हुआ है, नहीं बच सकता, बहुत कम दिया हुआ, चलो डिटेल देख लेते हैं। तो हमने कहा 1976 में किया, पहला प्रियम्बल में तीन वर्ड जोड़ दिए गए हम इस अमेंडमेंट से, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। दूसरा फॉरेस्ट, एजुकेशन एंड शिक्षा, वन तथा पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू, राज्य सूची से हटाकर स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट।
इंदिरा गांधी का मानना था कि एजुकेशन को हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, पॉपुलेशन कंट्रोल पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस सोच से हमने इसे हमने शिफ्ट किया। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जब लोकसभा के लोग, सॉरी राज्यसभा के लोग 6 साल रहते हैं तो लोकसभा के लोग भी रहेंगे 6 साल, तो टाइम पीरियड ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को, टाइम पीरियड ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्रीज फ्रॉम 5 ईयर टू 6 ईयर। अब आपके मन में आएगा कि अभी तो 5 ही साल है, तो बेसिकली इस अमेंडमेंट को के बाद एक 44th अमेंडमेंट हुआ और इस टाइम पीरियड को पूरा पूरा पहले दोबारा 5 साल किया गया, क्योंकि इनका मानना था कि जब संविधान निर्माताओं ने जो कुछ सोच के किया है तो वो भी ठीक ही किया होगा मुरारजी देसाई ने, और पुराना इस चेंज को खत्म कर दिया गया। तो अब प्रश्न था कि किस अमेंडमेंट से लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल से 6 वर्ष किया गया, तो किस अमेंडमेंट से साथियों, 42nd अमेंडमेंट 1976। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट 42nd अमेंडमेंट, 42वें संशोधन के बारे में क्या सही है। हमने कहा कि 42वां संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, लघु संविधान कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंज किए गए। क्या क्या चेंज किया गया वो देखना होगा। अच्छा, अब देखो, प्रेजिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट, मैं ऐसे कहिए, नीति निर्धारक तत्वों को मौलिक अधिकार से वरीयता दी गई। सही बात है, लेकिन सिर्फ कितने, किसका आर्टिकल को, ओनली आर्टिकल 39A को। तो सामान्य शब्दों में ये क्वेश्चन भी आता है, 39A में क्या है, 39A में है फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता। फ्री लीगल एड के बारे में, मुफ्त कानूनी सहायता, कि किसी को यदि वकील की फ्री कानूनी सहायता की जरूरत हो तो सरकार दे सकती है। तो एकमात्र आर्टिकल जिसको फंडामेंटल राइट से ज्यादा वैल्यू दी गई डीपीएसपी की, आर्टिकल 39A। फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए, यस, पार्ट 4A या कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A, इसमें साथियों संविधान ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, और उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा किए गए अमेंडमेंट को किसी भी कोर्ट में पूछताछ नहीं किया जा सकता है, और करें ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव, जवाब है कि हाँ, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट। ये बेसिकली मिनर्वा मिल केस के खिलाफ, केशवानंद भारती केस के खिलाफ इसमें जजमेंट चल रहा था, और इसमें कोर्ट ने कहा कि यस, आप हमारे मामले में जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा सही है। एक तो पॉसिबिलिटी थी कि मैं जितने महत्वपूर्ण केस है वो डिस्कस कर दूं, तो उन सारे केसेस को मैं डिस्कस करता, तो उससे पहले इन्होंने कहा कि नहीं, एक अमेंडमेंट पढ़ा दीजिए, कल परसों में देखूंगा तो वो भी डिस्कस कर दूंगा। चल अगला है साथियों, ये जो गुरुकुल के ओपनिंग की बात कर रहे हैं, अभी कुछ भी पता नहीं है दोस्त, जब गवर्नमेंट परमिशन देगी तब हम ओपन कर देंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि 28 तारीख को गवर्नमेंट परमिशन दे देगी और 1 तारीख से शायद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर दिए जाएंगे। तो जैसा भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अपने चैनल पे या सोशल मीडिया पर या यहाँ पर। और बेसिकली जब पढ़ा रहे होते हैं तो बीच में हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते, मतलब आपके फ्लो को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन आपके इतने कमेंट आ गए, बताओ बताते क्यों नहीं हो। तो देखो, आप फिर कमेंट करें, जवाब दो। अरे क्या जवाब दें, सरकार को एजुकेशन नहीं ओपन कर रही है, सरकार चाह रही है कि घर में बच्चे बैठ के पढ़ें ताकि उनका पैसा कम लगे और वो बेहतर पढ़ाई कर सके। सर मिक्स्ड क्वेश्चन करवा दो टीसीएस वाले, हाँ संडे संडे करवा तो रहे हैं, डेली करवा रहे हैं, 10 बजे करवाते हैं, आज 10 बजे नहीं है, बुधवार को 10 बजे नहीं रहेगा, बाकी हर दिन रहेगा। किस अमेंडमेंट से शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो याद करो हमने डिटेल पढ़ाया था कि शिक्षा का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में है, जिसमें कहा गया कि हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसको हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे। इसमें कहा गया है कि हम बाई 86th अमेंडमेंट करके इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था,
छियासीवां संशोधन करके 2002 में, और इस अमेंडमेंट से साथियों हमने इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। राज्य सरकारें रेडी नहीं थी तो उसके लिए इसके एक्सक्यूशन एक्ट 2009 आया था, और इसमें 25% सीट गरीब बच्चों के लिए हर प्राइवेट स्कूल में रिजर्व है। इन प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व है। और जितना इसमें खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, व्यय होता है, उसका 68% सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, केंद्र सरकार, और 32% स्टेट गवर्नमेंट लाती है, राज्य सरकार। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट है कि कितना कहाँ कौन कब कैसे, और ये कब बनाया गया 2002 में। तो अब ये हमने उसे पढ़ाया हुआ है आपको डिटेल 86 अमेंडमेंट करके 2002 में। चल आर्टिकल 368 अभी बात किया ही था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन से रिलेटेड पार्ट 20 भाग 20 में हमने कहां से लिया है अभी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भारत में कितने प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो 3 प्रकार के, एक ऑर्डिनरी मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक मोर देन 50% स्पेशल मेजोरिटी और मोर देन 50% स्टेट, इन 3 प्रकार से हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमें जरूरत नहीं है एसएससी लेवल पे करने के लिए कि किस तरीके के अमेंडमेंट के लिए कितना मेजोरिटी चाहिए, तो ये अभी हम नहीं टच करेंगे यहाँ पर। चलिए ये आपको बताना चाहिए यदि लोकसभा में 545 लोग हैं और उनमें से 5 लोग अब्सेंट हैं और 50 लोग मतदान नहीं करते हैं तो बिल को पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए, बिल को पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए। 545 हैं, 50 लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और 5 लोग अब्सेंट हैं तो कुल कितने हो गए साथियों, 495 हो गए, नहीं 495 के बिल को, ये या मैं गलत बोल रहा हूं, 490, तो बिल को पास करने के लिए मोर देन 50% प्लस 1 तो कितना चाहिए, 246, तो 246 तो ऑप्शन में नहीं है, तो कितना होगा 245, 245 आधे से एक अधिक चाहिए होता है। तो ये एक टिपिकल करके इन्होंने क्वेश्चन को बना दिया। ये जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चल हाउ कैन अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड कैग विल बी रिमूव्ड, तो सुप्रीम कोर्ट जज और कैग को हम कैसे हटाते हैं, इम्पीचमेंट के थ्रू हटाते हैं। इम्पीचमेंट में क्या है, दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत से हम हटा सकते हैं। तो 2/3 बहुमत क्या है साथियों, 2/3 मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी प्लस 2/3 मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी प्लस 2/3 मेजोरिटी सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए, यहां पर 2/3 मेजोरिटी से भी बात बन जाएगी। चल किस अमेंडमेंट से मतदान की आयु घटाई गई थी, अभी हमने डिस्कस किया था 61st अमेंडमेंट से 1999 में राजीव गांधी जी के द्वारा। कौन सा सही मैच नहीं है, कौन सा सही मैचिंग नहीं है, यह हमें देखना होगा। 64th अमेंडमेंट 1990, 69th अमेंडमेंट 1991, 100th अमेंडमेंट 2015, 100वां संशोधन, ये गलत है, 100वां संशोधन साथियों 101 माने, ये भी ठीक है 2015, कॉन्स्टिट्यूशनल 45th अमेंडमेंट 1985, यस ये गलत है, 45th अमेंडमेंट 1980, बल्कि याद करो आप 42वां संशोधन 1976, ये 46वां हमारा, 44वां हमारा 1978, तो ये 78 में ही, सॉरी 79 में 45वां अमेंडमेंट, और ये 85 ये गलत है। चल 10th शेड्यूल
कब लाया गया? 10th शेड्यूल में क्या है साथियों? दल बदल कानून, प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट बन गया। आज मैंने किसी बच्चे को भेजा भी था, टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, अभी प्लेलिस्ट बना हुआ है। किस अमेंडमेंट से 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो आप जानते हैं कि 10वीं अनुसूची क्या है साथियों, 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून राजीव गांधी के द्वारा लाया गया। कब? 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 52वें संशोधन से 1985 में, 1985 में। तो ऑप्शन में है क्या? तो जवाब है कि हाँ, बी ऑप्शन, 52nd अमेंडमेंट। आप में से किसी का जवाब नहीं आ रहा, क्या वजह है? ये आपको पता नहीं है या आप बताना नहीं चाह रहे हैं? किस अमेंडमेंट से सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक था मिनी, हमारे अमेंडमेंट का एक है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। इस लघु आर्टिकल्स याद नहीं होते, कैसे नहीं याद होंगे? आर्टिकल की औकात है कि नहीं याद हो? इम्पॉसिबल है, होना ही होगा आपको। हमने मेन आर्टिकल सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं, यदि आप देखेंगे तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। सारे आर्टिकल आपको वैसे भी नहीं याद करने, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको याद करने हैं और हमने आपको करा दिए हैं कौन कौन से याद करने। चल अब अच्छा लग रहा है, आप लोग जवाब दे रहे हैं। 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। हमने कहा था तीन वर्ड, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था। चल 73rd अमेंडमेंट में क्या है? तो आप जानते हैं कि 73rd 1992 में पंचायत से रिलेटेड है, 74th टाउनशिप से है। तो 73rd अमेंडमेंट क्या साथियों? पंचायत 1992 में। चलिए, किस अमेंडमेंट में पहली बार पॉलिटिकल पार्टीज के गिव द फर्स्ट टाइम टू क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन, पहली बार हम ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऑथोराइज किया गया, वैल्यू दिया गया, पहचान दी गई। तो साथियों हमने 52nd अमेंडमेंट जब किया है 1985 में, जिसमें हमने 10th शेड्यूल जोड़ा है, जब दल बदल की बात आई है तब हमने डिफाइन किया है कि क्या है पॉलिटिकल पार्टीज। चल फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट, 52वां संशोधन। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट? अभी हमने बताया था कि भारत का कौन सा पार्ट साथियों, पार्ट 20 किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, भाग 20। द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? संविधान संशोधन को कहां से शुरू किया जा सकता है? वेयर कैन बी स्टार्टेड? तो हमने सीखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी स्टार्टेड इन एनी हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस से किया जा सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो क्या ऑप्शन है? ए और बी, कहां पर साथियों? बी ऑप्शन। चलो, इन विच लैंग्वेज डोगरी वाज एडेड? अभी हमने सीखा था डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को हमने 1992 में किस अमेंडमेंट से साथियों जोड़ा था? 92nd अमेंडमेंट से 2003 में हमने जोड़ा था। तो हमने ये आपको बता रखा है। चल अभी थोड़ी देर पहले हमने डिटेल बताया था, जो लोग लेट हुए होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी। किस अमेंडमेंट के अनुसार among the planning committee are the constitutional as per which of the town planning? तो town planning से related कौन सा amendment है? पंचायत से related 73rd है। इसके अलावा कोई सा भी है municipalities वाला तो किसमें साथियों? तो 74th amendment 1992, 74वां संशोधन 1992। पहली बार संविधान में संशोधन कब किया गया? तो ये देखो कितनी बार आया है क्वेश्चन, नहीं? हमने जिस दिन TCS वाला किया था आपने देखा था कि सबसे अधिक यही क्वेश्चन है, और इसमें क्या जोड़ा था हमने कॉन्स्टिट्यूशन में? 9वीं शेड्यूल, 9वां अनुसूची जोड़ा था। क्यों जोड़ा था? तो हमने पूरी कहानी आपको बताई थी। द
देखो आ ही गया, जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड। सरकार को भूमि देनी थी जिनके पास ज्यादा थी, जमींदारों से लेकर के कम वालों को जरूरत पूरा करना था, तो कम वाले लोग तैयार नहीं थे, उनका कहना था कि सॉरी ज्यादा वाले लोग तैयार नहीं थे, उनका कहना था कि गलत है, हमारी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। तो उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पहला संशोधन किया और कॉन्स्टिट्यूशन में नवीं अनुसूची जोड़ी और उसमें भूमि अधिग्रहण कानून को शामिल कर लिया गया। विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। संविधान में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर कब किया गया, तो हमें याद हो सातवें संविधान संशोधन करके 1956 में 14 राज्य 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाए गए, है ना। जब हमने कहा था कि आंध्र प्रदेश को जब बनाया गया तो बाकी राज्यों से भी डिमांड उठने लगी, तो फिर हमने कमिटीज बनाए और कमिटीज के रिकमेंडेशन के आधार पर हमने 7th अमेंडमेंट किया 1956 में और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। कई बार ये क्वेश्चन आता रहता है कि कब हुआ, किस अमेंडमेंट से हुआ, तो हमने आपको बता दिया 7th अमेंडमेंट 1956। फजल अली के नेतृत्व में जो चेयर कमेटी बनी थी, फजल अली उसके चेयरमैन थे, उसमें दो मेंबर और भी थे, एच एन कुंजरू और के एम पणिक्कर। द टेरिटरीज ऑफ गोवा दमन दीव वेयर इनकरप्टेड। अभी हमने बताया था जब गोवा का भी हम पढ़ा रहे थे कि जब गोवा को हमने ऑपरेशन विजय से शामिल किया 1961 में, तो बाद में हमें इसे एक दर्जा देना पड़ा संवैधानिक, तो हमने 1962 में 12th अमेंडमेंट करके 12वां संविधान संशोधन करके 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने 1962 में 12वां संविधान संशोधन करके हमने साथियों गोवा दमन दीव और दादर नगर हवेली गोवा दमन दीव को संविधान भारत में शामिल कर दिया 12th अमेंडमेंट। क्या आप सबका जवाब सही है क्या? यस। आज थोड़ा सा बात आपसे कर लें, दिक्कत क्या है कि आप लोग से जब मैं पूछता हूं तो आप लोग बताते नहीं हो, मैं भी थोड़ा सा पजल रहता हूं। देखो अपने पास दो टाइमिंग है एट प्रेजेंट, एक तो है 10 बजे जिसमें हम 10 से 11 या 11:30 तक हम डेली TCS के MCQ करते हैं, MCQ कवर करते हैं, और एक अभी हमारे पास 4 PM टू 5 PM है, और कभी कभी किसी किसी दिन हमारे पास 8 बजे से 9 बजे तक अभी टाइम है, किसी किसी दिन सम टाइम सम डेज। तो मेरी इच्छा क्या चल रही है कि यहां पर हम MCQ करवाते रहें, जैसे चल रहा चलने दें, अगले 30 मैंने अपने चैनल पर चलाया था, उसके आगे TCS का यहीं चला रहे हैं। मूल विधि नहीं हुआ सर, मूल विधि करवा देंगे बोलोगे तो। और यहां पर मैं मेरी इच्छा जो है स्टैटिक कवर करवाने की, सारा का सारा नेबरिंग कंट्री ये वो, और कुछ मेरे पुराने बच्चे हैं जिनकी ज्योग्राफी रह गई है वो कवर करवाने। जैसे कल मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं, क्या मैंने बोला था, रामसर साइट्स, रामसर साइट्स, तो यदि आप रेडी हो तो इस तरीके की चीजों को हम कर सकते हैं। गुरुकुल कब खुलेगा, गुरुकुल कब खुलेगा, ये जब गवर्नमेंट परमिशन देगी तभी बात बनेगी। गुरुकुल का पर सब कुछ सरकार के डिसीजन पे है, हम लोग खुद फेड अप हो रहे हैं कि कब खुलेगा कब खुलेगा, आपके कॉल के आपके मैसेज के हम प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते क्योंकि सरकार हमें कुछ क्लियर नहीं कर रही है, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे। किस अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया? बताइए किस अमेंडमेंट से। तो हमें याद हो मुरारजी देसाई ने 1978 में 44th अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। क्लियर है, 44th अमेंडमेंट 1978, 44वां संशोधन 1978। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। देखो ये 3 बार आ चुका कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमने कब हरियाणा और
दिल्ली ने शामिल कर लिए। चले विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने बताया था आपको कि किस अमेंडमेंट को हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, किस अमेंडमेंट को हम लघु संविधान के रूप में जानते हैं। तो हमने कहा था कि इंदिरा गांधी ने हर पॉसिबल अमेंडमेंट कर दिए। हर पॉसिबल अमेंडमेंट करते ही अपोजिशन ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि आपने अमेंडमेंट थोड़ी ना किया, आपने तो नया संविधान लिख दिया है। बस अंतर क्या है कि पुराना संविधान बड़ा संविधान था और आपका संविधान छोटा संविधान है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, 42nd अमेंडमेंट 1976। हु अमंग द फॉलोइंग रिजर्व द राइट टू इनिशिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन कहां से शुरू हो सकता है, पार्लियामेंट से, सुप्रीम कोर्ट से, प्रेसिडेंट से? तो कहां से हो सकता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स आइदर लोकसभा और आइदर राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। चल अपार्ट फ्रॉम गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन द म्यूनिसिपैलिटीज विच अमेंडमेंट लेज डाउन द इन एवरी टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। नगर पालिकाओं को मान्यता दी गई है किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो हमने आपको बताया था कि पंचायत से रिलेटेड कुछ भी होगा तो कौन सा अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट। लेकिन म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड कुछ भी होगा तो कौन सा अमेंडमेंट साथियों, 74th अमेंडमेंट। तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 74th अमेंडमेंट 1992। और आपको याद हो 74th अमेंडमेंट कब लागू किया गया, 1 जून 1993 को हमने लागू किया था। चल लेकिन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट रिजर्व करता है? विच अमेंडमेंट इज डील विद रिजर्वेशन ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभाओं के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए, ट्राइबल्स के लिए रजिस्टर्ड करता है? तो कौन सा अमेंडमेंट साथियों, 57th अमेंडमेंट, 97वां संशोधन। चल 42nd अमेंडमेंट के बारे में क्या सही, विच इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है, नॉट ट्रू। द अमेंडमेंट वेर मेनली टू गिव इफेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा लिए गए रिकमेंडेशन को भी लागू किया गया था। तो बात सही है, इन्हीं के रिकमेंडेशन से भारत में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, सही बात है। द वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी वेर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी पहले से था संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वॉज एडेड, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, सही बात है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एक्सटेंडेड, राज्य के नीति सिद्धांतों को ज्यादा वैल्यू दी गई, तो ये भी बात सही है। गलत कौन सा है मित्रों, बी इज द रॉन्ग, बी गलत है, बी नहीं है। और विच अमेंडमेंट रीस्टोर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दैट वाज अर्लियर कोटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। किस संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहाल किया जो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा बंद कर दिया गया था? यानी किस अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने कहा कि आप हमारे पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शन को हम आपको परमिशन नहीं देंगे। चल मतलब पहले क्या था, उन्होंने कहा था कि हमारे आप हमारे कोर्ट को, कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट, मतलब पार्लियामेंट कुछ करेगी तो कोर्ट उस पर कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। तो बाद में उन्होंने अमेंडमेंट करके कहा कि नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, हमें आप कोई आपत्ति नहीं है। तो कौन सा अमेंडमेंट होगा, ये एक इंपॉर्टेंट और बेहतर क्वेश्चन है। ये किसी दिन हम केशवानंद भारती वाला केस जब डिस्कस करेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। तो 43rd अमेंडमेंट 1977 के द्वारा ये डिसीजन हुआ, 43rd संशोधन के द्वारा। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 21st अमेंडमेंट। यस बताया था जी, 1967 में संविधान में 15वीं भाषा के रूप में कौन से लैंग्वेज को शामिल किया गया? तो 15वीं भाषा के रूप में हमने किसे शामिल किया था साथियों, सिंधी को, 1967। Which amendment of Indian Constitution has abolished the nomination of Anglo-Indians? Yes. अभी आपने देखा होगा कि देश में कुल 104 अमेंडमेंट हुए हैं। 104वें अमेंडमेंट से आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को और 333 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का प्रावधान है।
एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का प्रावधान है, तो किस अमेंडमेंट से उसे हटा दिया गया, किस अमेंडमेंट से उसे हटा दिया गया? तो किस अमेंडमेंट से साथियों? 104 अमेंडमेंट से 2019 में हटा दिया गया, कहा कि नहीं अब किसी प्रकार का एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तो अब रिजर्वेशन उनका समाप्त कर दिया गया। 103 अमेंडमेंट हैज मेड रिकमेंडेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने देखा कि 103 अमेंडमेंट से EWS को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है गवर्नमेंट जॉब में। मोदी जी का कहना था कि जो लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सके। तो आरक्षण किस में आता है? फंडामेंटल राइट का पार्ट आता है गवर्नमेंट जॉब में, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 16 में आता है, 16(4), 16(4) में। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट बिल एग्जेम्प्टेड, ये छोड़ दो, ये फालतू क्वेश्चन है बिहार का, उस समय का करंट था। संविधान के किस संशोधन ने ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया? तो आप जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 14A जोड़ा गया जिसमें ट्रिब्यूनल के बारे में जिक्र है, प्राधिकरण के बारे में। तो किस अमेंडमेंट से साथियों? 42nd अमेंडमेंट, इसमें कहा गया कि सरकार ट्रिब्यूनल का प्रावधान कर सकती है। 1976, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कहा था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतने ज्यादा चेंज किए गए, क्या पोजीशन वालों ने मजाक उड़ा दिया, तो उसी से हमारा क्या बनता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। 42nd, चल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 108वां बिल 2009 से आज तक रखा गया है, जिसमें कहा गया है, दो बिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि जब भी कोई विधेयक आता है तो उसको कहते हैं बिल, विधेयक। जब वो लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा से प्रेसिडेंट जाता है पास होकर के, या राज्यसभा से लोकसभा और लोकसभा से पास होकर प्रेसिडेंट, जब इन तीनों जगहों से पास हो जाता है, जब इन तीनों जगहों से पास हो जाता है तो इसको कहते हैं एक्ट, अधिनियम, एक्ट अधिनियम। और जब ये एक्ट पास हो जाता है तो इसको हम कहते हैं लॉ, कानून, पास होने के बाद लागू हो जाता है। तो अभी 108वां बिल है, यानी अभी पास नहीं हुआ है, 2009 में रखा गया था। और एक है 110वां बिल, अभी पास नहीं हुआ है। तो 108वां बिल क्या कहता है? रिजर्वेशन ऑफ फीमेल्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। अभी यहां पर रिजर्वेशन इनका है ही नहीं, तो कितना परसेंट रिजर्वेशन की बात है? 33%। तो इन फ्यूचर कब पास होगा पता नहीं। और 110वें में क्या कहा गया? महिलाओं का रिजर्वेशन पंचायत में 33% है, उसको बढ़ा करके 50%। तो दोनों हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो 109वें में हमने लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं का रिजर्वेशन 33% और 110वें में हमने महिलाओं का रिजर्वेशन 50% कहां पर? पंचायत में करने का प्रावधान किया हुआ है। चल तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या जवाब हो जाएगा 108वां? तो देखो, प्रोवाइडिंग 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र राज्यों के बीच राजस्वों के बंटवारे के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया जाता है? आप जानते हैं कि राजस्वों के बंटवारे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है साथियों? तो राजस्वों के बंटवारे के लिए फाइनेंस कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है, वित्त आयोग रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके सजेशन से ही कुछ भी किया जाता है। तो 10th फाइनेंस कमीशन के सजेशन के बाद हमने 80वां संविधान संशोधन 2000 में किया था और उसके आधार पर हमने रेवेन्यू डिसीजन का नया मॉडल फॉलो किया था। अभी आप जानते हैं कि जितना टैक्स आता है सेंटर के पास, उसका 68% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, केंद्र सरकार रखती है, और 32% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट रखती है, 68% केंद्र सरकार और 32% राज्य सरकार। पहले 65-35 था, मोदी जी कहने के बाद 68-32 हो गए। बाय विच अमेंडमेंट, एक मिनट, गलत उल्टा बता दी। पहले 68-32 था
अभी मोदी जी के आने के बाद 58 हो गया है और 42 हो गया, ब्लंडर हो जाता। ये कर लेना अभी टैक्स रिविजन, किसी टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं 58% और स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं 42%। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट 10 शेड्यूल वॉज एडेड, अभी हमने बताया था ये एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय गिविंग स्पेशल स्टेटस टू सिक्किम, है ना। अब सिक्किम को हमने पूरी कहानी बता रहे कि सिक्किम कैसे कैसे भारत में आया, तो सिक्किम को हमने 35th अमेंडमेंट से 1935वें संविधान संशोधन से, आप जानते हैं कि सिक्किम से रिलेटेड दो अमेंडमेंट है 35वां और 36वां, तो इसमें हमने सिक्किम को स्पेशल स्टेटस का दर्जा हमने 35वां अमेंडमेंट से दिया था। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आप जानते हैं 86th अमेंडमेंट करके 2002 में जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, उसी अधिकार में हमने कहा कि हर गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, और इस जिम्मेदारी के रूप में हमने इसे 11वां ड्यूटी हर नागरिक को दे दिया गया उनके माता पिता के लिए के रूप में, ताकि वो अपने बच्चों की देखरेख करें। द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, अशोक मेहता कमेटी ने किसके लिए सुझाव दिया था, पंचायत के लिए, तो पंचायत के से रिलेटेड कौन सा है, 73rd अमेंडमेंट 1992। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ 73rd अमेंडमेंट, क्या नहीं है 73rd अमेंडमेंट, ग्राम सभा, थ्री टायर सिस्टम, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का जिक्र नहीं है, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ग्रांट सिटीजन टू फंडामेंटल राइट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 19(3) में दिया गया है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने लिए कोऑपरेटिव कमिटीज बना सकता है 97th अमेंडमेंट से। इसी सब अमेंडमेंट से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 9(b) जोड़ दिया, पार्ट 9(b) किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव कमेटी, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमेटी से रिलेटेड है, सहकारी समिति से। बाय विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिल्ली वाज डिजाइन एट द एनसीटी, यस हमने कहा था दिल्ली, फिर उसके बाद एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और अब क्या हो गया एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीटी वो हिस्सा जहां दिल्ली का क्षेत्र है, जहां पर दिल्ली सरकार कंट्रोल करेगी, एनसीआर जहां पर पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्से भी हैं जो अपने लिए नियम कानून बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या बिजनेस का लॉ दिल्ली सरकार बना सकती है। तो किस अमेंडमेंट से साथियों, तो ये हुआ था 1991 में किस अमेंडमेंट से मित्रों, 69 अमेंडमेंट से, 69वें संशोधन से, ये एक अच्छा आर्टिकल अमेंडमेंट है। चलो जीएसटी वाज एडेड बाय, तो जीएसटी किस अमेंडमेंट से आया था साथियों, 101 अमेंडमेंट 101वें संशोधन से, और इसमें हमने आर्टिकल 279A में जीएसटी को दिया है, इसी में हमने जीएसटी काउंसिल, जीएसटी ट्रिब्यूनल का भी जिक्र किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, किस आर्टिकल में, 338B में, जैसे हमने पढ़ा है 338 में एससी, 338A में एसटी कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, और अब 338B में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो किस अमेंडमेंट से साथियों, 102 से, 103 से क्या था रिजर्वेशन, 101 से क्या था जीएसटी, समय से क्या था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, तो इसका हो गया 102। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ 10% रिजर्वेशन, अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 103 कि यदि आप गरीब हैं तो हम आपको 10% रिजर्वेशन दे देंगे। एससी एसटी इन लोकसभा इन स्टेट, है ना, इनका जो रिजर्वेशन था एससी एसटी का, ये 2020 से बढ़ा करके 2030 कर दिया गया, अगले 10 साल तक इनका रिजर्वेशन मिलेगा, किस अमेंडमेंट से, 104 से। इसी अमेंडमेंट से क्या किया, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन को हमने समाप्त कर दिया। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने कोशिश किया था कि आपका सारा का सारा अमेंडमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट
पॉइंट सबका सब आपके सामने हो जाए। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे आपको डाल देंगे, तो टेलीग्राम पे आप, ये मेरा कोड है, टेलीग्राम का नाम है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी पर किसी भी कोर्स को लेने के लिए आप श्योर 60 कोड का यूज करके आप 10% ऑफ ले सकते हैं। और कल हम आपसे मिल रहे हैं शाम को 4 बजे और रात को 10 बजे, डेली जो हमारा शेड्यूल होता है। आज हमने 10 बजे अपना सेशन समाप्त कर दिया, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। गुरुकुल कब ओपन होगा? गुरुकुल ओपन होगा साथियों जब